हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू मटर गोभी टमाटर। बहुत ही इजी और आसान तरीके से सब्ज़ी, बिल्कुल 10 मिनट में हम बना लेंगे ये सब्ज़ी को। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर लिया है और इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें लहसुन डालेंगे। सबसे पहले मैंने लहसुन को कट कर लिया है इसमें और लहसुन ऐड करेंगे, जीरा और लाल मिर्च, खड़ा लाल मिर्च हम ऐड करेंगे। इसे थोड़ी सी हम सॉटे होने देंगे, उसके बाद हम प्याज डालेंगे। प्याज ये बड़ी बड़ी स्लाइसेस में कट किए, बारीक नहीं काटना है, इसे थोड़ी सी सॉटे करना है। मटर को डाल देंगे और साथ में जितनी हमारी वेजिटेबल है सारे हम सब्ज़ी इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये सब्ज़ी बनाना, आप एक बार ज़रूर बनाना। उसके बाद जितने सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, ये है हमारी रेड चिल्ली पाउडर, साथ में हम डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, और सब्ज़ी जितना है उसी हिसाब से हम मसाला रखनी पड़ेगी। तो हमने 1-1 चम्मच लिया है, अब इसे सब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन भी आप ऐड कर सकते हैं, पर मैंने लहसुन कट करके रखी हूँ और अदरक लहसुन मैंने नहीं ऐड किया है, अब चाहे तो ऐड कर सकते हैं इसी टाइम। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 गिलास पानी और साथ में मैंने नमक डाल देती हूँ और लेड लगा कर इसे 3 सीटी आने तक इंतज़ार कर लेते हैं। आने देते 3 सीटी, उसके बाद हम इसके देख लेते हैं इसकी क्या हाल है। तो हमारी सब्जियां जो है अच्छी सी कुक हो गई है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो हमारी आलू भी अच्छे से गल गई है, मैं आपको दिखाती हूँ, आलू भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। हालांकि मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस में आलू कट की थी, फिर भी आलू हमारी कुक हो गई है। देखें, बस 3 सीटी में हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाती हैं। अब इसमें ग्रेवी के लिए आप गरम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप हल्के से गरम बुनबुनी पानी को रखिएगा और इसको थोड़ी सी पका करके आप इसे निकाल लीजिएगा। अब इसमें धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए डाल दीजिए और नमक आप टेस्ट कर लीजिए। तो हमारी सब्ज़ी तो बनके हो गई है रेडी और आपने देखा कितनी ईजी है ये सब्ज़ी बनाना। स्पाइसी अगर आपको पसंद है तो आप हरी मिर्च के भी डाल सकते हैं, तो हम 3 हरी मिर्च डाली हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है हरी मिर्च सब्जियाँ में। अब हरी धनिया डाल करके हम गार्निशिंग करके हम इसे सर्व करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, बड़े ही मज़ेदार से हमारी सब्ज़ियाँ बन करके रेडी हो गई है। और ये ज़्यादा थिकनिक है तो इसमें थोड़ी सी हम पानी ऐड करके, थोड़ी सी हम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ी सी ग्रेवी पतली करेंगे। इसे अब चावल